खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के नए चेयरमैन की तलाश शुरू हो गई है। रिटायर्ड आईएएस केशनी आनंद अरोड़ा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कार्यकाल पूरा होने के बाद नए चेयरमैन की तलाश जो है शुरू कर दी गई है। सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश करेगी कमेटी। वे बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के नए चेयरमैन की तलाश शुरू हो गई है। रिटायर्ड आईएएस केशनी आनंद अरोड़ा के कार्यकाल पूरा हो चुका है। कार्यकाल पूरा होने के बाद नए चेयरमैन की तलाश जो है शुरू हो गई है। सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है और नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश करेगी कमेटी। गुलशन ग्रोवर विशेष संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुलशन, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के नए चेयरमैन की तलाश शुरू हो गई है और कार्यकाल पूरा होने के बाद नए चेयरमैन की तलाश शुरू हुई है, क्या कुछ ताजा जानकारी है इसको लेकर? गुलशन, आवाज मिल पा रही है आपको? गुलशन, आवाज मिल पा रही है आपको? गुलशन, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के नए चेयरमैन की तलाश शुरू हो गई है, क्या कुछ ताजा जानकारी इसको लेकर? देखिए चविता, इस पूरे मामले में सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के नए चेयरमैन की जो तलाश है वो शुरू करेगी। यह कमेटी नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए सरकार से सिफारिश करेगी। जी, अभी प्राधिकरण के जो चेयरमैन है वो पूर्व मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा है। वो उनका 3 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया है। उसके बाद सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। जी, ये जल संसाधन प्राधिकरण का जो चेयरमैन बनाया जाता है वो हरियाणा में गिरते भूजल स्तर में सुधार लाने और जल प्रबंधन और पानी बचाने के लिए सरकार ने 14 दिसंबर 2020 को इस प्राधिकरण का गठन किया था, जिसके पहले चेयरमैन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी केशनी आनंद अरोड़ा को बनाया गया था। लेकिन अब 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब नए चेयरमैन की तलाश शुरू हो गई है और उनकी जगह लेने के लिए कई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी इस दौड़ में शामिल है। अब देखना होगा कि ये 4 सदस्यीय जो कमेटी बनाई है ये किस चेयरमैन की सिफारिश करती है, उसके बाद ये सरकार से सिफारिश किया जाएगा और नया चेयरमैन फिर हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का नियुक्त किया जाएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया गुलशन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कार्यकाल पूरा होने के बाद नए चेयरमैन की तलाश शुरू की गई है। साथ ही सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है और रिटायर्ड आईएएस केशनी आनंद अरोड़ा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कार्यकाल पूरा होने के बाद नए चेयरमैन की तलाश जो है शुरू हो गई है।